टर्निंग ऑन हुआ है, बीप की आवाज़ सुन रहे हैं। 3 और 4, ये 3 और 4 नंबर की लाइट्स ऑन है और रेगुलर ही कंटिन्यूसली स्टार्टअप के ऊपर इसकी बीप जो है ना ये स्टार्ट हो जाती है, और स्क्रीन के ऊपर इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा, ठीक है। ये बीजी के ऊपर लगी हुई है इसकी, लेकिन स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं है। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये डेल टावर पीसी है, 745 745 मॉडल नंबर है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये पावर केबल इसकी हमने प्लग इन की है। बिस्मिल्लाह, ये केबल हम प्लग इन करते हैं। ये टर्निंग ऑन हुआ है, बीप की आवाज़ सुन रहे हैं। 3 और 4, ये 3 और 4 नंबर की लाइट्स ऑन है और रेगुलर ही कंटिन्यूसली स्टार्टअप के ऊपर इसकी बीप जो है ना ये स्टार्ट हो जाती है, और स्क्रीन के ऊपर इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा, ठीक है। ये बीजी के ऊपर लगी हुई है इसकी, लेकिन स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं है। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाह, इसको ओपन कर लेते हैं। ये मदरबोर्ड आपके सामने आ गया, 745 मॉडल है इसका। तो DDR2 में इसकी रैम्स लगी हुई हैं। चलें बताइए, केबल आप उतार लेंगे पहले। इसकी जो बीप्स आ रही है 3 नंबर और 4 नंबर, जो लाइट्स का एरर है, ये एरर जो है ना रैम्स का ज़्यादातर आता है। तो पहले इसकी रैम्स हम चेक कर लेंगे। ये रैम्स उतार लेंगे इसकी। बिस्मिल्लाह, जी ये 1 GB और ये भी 1 GB, 1 1 GB की दो रैम्स लगी हुई हैं DDR2 में, PC2, ठीक है, PC2। तो इसकी ये स्लॉट्स हैं रैम की, इसकी भी सफाई कर लेंगे पहले, और ये रैम्स की भी सफाई कर लेंगे। इसकी सफाई वगैरह करके तो फिर इसको जो है ना रैम करके इसको ऑन करते हैं। पहले ये रैम की स्लॉट्स की जो है ना सफाई कर लेंगे। वो तो कार्बन वगैरह को मट्टी वगैरह ये चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। क्योंकि 3 नंबर और 4 नंबर का जो एरर है ये ज़्यादातर आता ही रैम का है। ये भी तकरीबन जो है ना रैम साफ है, स्लॉट इसकी रैम स्लॉट पे भी ये रैम्स हैं, इसकी भी ज़रा सफाई कर लेंगे अच्छी तरह। ले जी, ये रैम साफ कर लिए, क्लीन कर लिए कंप्लीट। तो इसको अब लगाएंगे DIMM-1 के अंदर। ये DIMM-1 के अंदर लगाएंगे। अगर ये रैम ख़राब है तो फिर भी ये बीप की आवाज़ आएगी, और अगर सपोर्ट नहीं है तो फिर भी बीप की ही आवाज़ आएगी। तो रैम पावर केबल प्लग इन करते हैं। 3 और 4 नंबर की लाइट्स ऑन है, लेकिन अभी बीप नहीं आई। डिस्प्ले भी इसका नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल, बीजी के ऊपर लगी हुई है। ठीक है, तो अभी ये पावर केबल उतारेंगे हम। ये इसका सीमबॉस जो सेल है ये बाहर निकाल देंगे, रैम की स्लॉट जो है ना हम चेंज कर लेंगे, ये दूसरी स्लॉट्स के अंदर रैम ले जाएंगे हम। अभी पावर केबल प्लग इन करते हैं। सेम कंडीशन है, 3 और 4 नंबर की लाइट्स ऑन है, बीप भी नहीं है और डिस्प्ले भी नहीं है, ठीक है। तो अब इसको ज़रा रैम उतार लेते हैं ये वाली, और दूसरी रैम जो ना लगाते हैं ये वाली। बिस्मिल्लाह, पावर केबल प्लग इन करते हैं।
ये भी सेम कंडीशन है। तो रैम जो है ना हम दूसरी लगा लेंगे, जो वेरीफाई रैम है वो ली रैम लगा के इसको ज़रा वेरीफाई कर लेंगे पहले। फिलहाल जी ये दूसरी रैम वेरीफाई लगाई है स्लॉट के अंदर, इसको पावर केबल प्लगिंग करते हैं। 3 और 4 तीन नंबर लाइट खत्म हो गई है, ये चेक करें डिस्प्ले भी उधर आ गया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम रैम का ही था, तो रैम की स्लॉट के अंदर भी कार्बन आया हुआ था और रैम्स का भी प्रॉब्लम था। तो अभी इसको विंडो वगैरह रन करके तो पैकिंग कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।